आज हम लोग इस बारे में जानेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, तो ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कंपटीशन के जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान सेनानायक या सेनापति रहा। ठीक है, और इसका जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को कहाँ पर हुआ था? कोस्का द्वीप। कोस्का द्वीप कहाँ पर है? भूमध्य सागर। ये कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस का ये भाग है भूमध्य सागर, कोस्का द्वीप इसी का है, फ्रांस का है। नेपोलियन बोनापार्ट का पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट शिक्षा प्राप्त किए थे ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। ठीक है, इसके बाद है 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट इटली के ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। 11 नवंबर 1799 में नेपोलियन प्रथम काउंसलर बने थे और फिर नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 10th क्लास के लिए ऐसे पूछ लेता है कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बने थे, तो 1804 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। ठीक है, इनको, नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने ही सर्वप्रथम पहला बार इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक, फिर नेपोलियन की पत्नी जोजेफा फाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी। ऑस्ट्रिया एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक होती है ऑस्ट्रेलिया और एक ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने अपने पत्नी जो पहले थी उनको तलाक देकर के राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी की थी। अब देखो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, ट्राफलगर का युद्ध, जो नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, कौन सा युद्ध? ट्राफलगर का युद्ध, याद रखिएगा इसको। 1800 में स्थापना इन्होंने की थी, नेपोलियन ने 1800 में स्थापना की थी बैंक ऑफ फ्रांस का। ये 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुआ था, तो 1800 में ऐसे भी पूछ जाएगा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रहेगा। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, ठीक, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। ठीक है, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, याद रहेगा। फिर इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया जब मित्र राष्ट्र देशों की सेना ने मिल करके 18 जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। किस युद्ध में? ये पूछता है वाटरलू के युद्ध में। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वाटरलू के युद्ध में कौन हराया था, किसको हराया था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो आप इसको, इस डेट को याद रखना है, 18 जून 1815 में। वहां पर एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है, सिर्फ 1815 भी बोल सकता है, तो इस, ये भी याद रखें और डेट भी याद रखिए। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट को जब यहाँ पर मित्र राष्ट्र ने जब इसको हरा दिया था, तो इन्होंने सेंट हेलेन द्वीप पर रखा था नेपोलियन का, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? इसका मृत्यु थी 1821 में। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर है? तो अंटार्कटिक महासागर में है, वहां पर इन्होंने, मित्र राष्ट्र ने उनको रखा था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट का एक और नाम है जिनको लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। हाँ, एक और चीज इसमें छूट रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक और प्रसिद्ध है जो है आचार, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहे हैं, आचार संहिता नेपोलियन बोनापार्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आचार संहिता, ठीक, ये प्रसिद्ध है नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। तो ये था दोस्तों आज के इंट्रोडक्शन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में।
हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो भी जानकारी थी ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यहाँ से आपको बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ है इसमें जो ये आपको याद रखने का, बैंक ऑफ फ्रांस कब हुआ था, फिर फ्रांस का सम्राट कब बना था, ठीक, और फिर ये वाटरलू के युद्ध में कब हार हुई थी इसकी। ठीक, तो ये सब आपको कुछ टॉपिक है जो आपको याद रखना है। ठीक, और इनको ये पहली बार बोलते हैं इंग्लैंड को बनियों का देश। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।